पावन चातुर्मास की मंगल बेला आरंभ हो चुकी है। वर्षा योग में दिगंबर संत और साध्वियां चार माह के लिए एक स्थान पर विराजमान होकर धर्म प्रभावना करती हैं। इसी क्रम में मुनिश्री श्रद्धानंद जी महाराज एवं मुनिश्री पवित्रानंद जी महाराज के आठवें वर्षा योग हेतु राजस्थान उदयपुर में मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के शिष्य मुनिश्री श्रद्धानंद जी महाराज एवं मुनिश्री पवित्रानंद जी महाराज का आठवां वर्षा योग कलश स्थापना समारोह श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर केशव नगर उदयपुर में 17 जुलाई को आयोजित हुआ। भव्य समारोह का शुभारम्भ जिनाभिषेक एवं शांति धारा से हुआ। ओम रीम करणम पादर्शानीलम। इसके बाद एक और जहां सौभाग्यवती महिलाओं ने शोभा यात्रा निकाली तो वहीं भक्तों ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधान पूजन का आयोजन भी किया गया जिसमें सभी भक्तों ने सहभागिता कर मांगलिक क्रियाएं संपन्न की, जिसके उपरांत मुनिसंघ के वर्षा योग हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह हुआ। कार्यक्रम स्थल पर सर्वप्रथम भक्तों ने गुरुवर का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया, जिसके बाद विधि विधान से मंगल कलश की स्थापना की गई। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाव व्यक्त किए। सबके सहयोग से उनके मार्गदर्शन में ये चतुर्मास सागन संपन्न होगा, इसी मैं आशा करता हूँ। और दोनों महाराज जी युवा महाराज जी हैं और युवा महाराज जी होने के कारण युवा लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि चतुर्मास में जितने भी युवा उदयपुर के हैं वो सब महाराज जी से जुड़ेंगे और धर्म की प्रभाव होगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। और सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो भी युवा है वो आके महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर धर्म प्रभाव न करें। देश भर में संतों के चातुर्मास हेतु मंगल कलश की स्थापना की जा रही है। चातुर्मास के दौरान स्थानीय भक्त संतों के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता कर धर्म लाभ लेंगे। जैन फोकस के लिए उदयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।